का सिद्धांत है। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। विश्वामित्र गुरु जी के साथ में मेरे लखन और राघव दोनों सिंहासनों पर विराजमान हो गए और आज्ञा हुई शतानंद महाराज जी की। तो सखियां मेरी मां को लेकर पधारती हैं। सियजु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां। मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सियाजु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखी। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोहनवल सुंदर तन सारी, जगत जननी अतुलित बलि। सोहनवल सुंदर तन सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचत चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजु के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। मेरी माँ की दिव्यता का दर्शन वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जो छवि सुधा वयो निधि होई, परम रूप मय कहीं सिया समतुल। ऐसी है मेरी माँ सियाजु, जिनके कणिका मात्र सौंदर्य से जगत की बहनों में बेटियों में सौंदर्य विराजमान है। ये माँ का जो स्वरूप सौंदर्य है, दिव्यता है, उसकी कणिका मात्र हमारी बहनों माताओं और बेटियों में है। इनका सौंदर्य इतना देदीप्यमान लगता है मानो इनको पूजन करने का मन करता है। लेकिन मेरी माँ का सौंदर्य जो सबको सुंदरता प्रदान करती हैं, उन माँ के सौंदर्य की गोस्वामी जी महिमा बखान करते हैं। सौभारज मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। एही विधि उपजै लक्ष जब, सुंदरता सुख मूल। मेरी माता जी के बगल में बैठने योग्य है। तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतुल। माँ के तुल्य किसी का सौंदर्य हो नहीं सकता। सभी लोग प्रणाम करते हैं आदर भाव। सखियां मेरी माँ के बगल में सुनैना माँ के पास विराजमान कराती हैं सिया मैया को। और अब जब सब अपने अपने स्थान पर विराज गए, शतानंद जी महाराज ने
जनक जी की ओर देखा और बंदी जनों को आज्ञा दी। बंदी जन महाराज की प्रतिज्ञा को महाराजाओं को सुनाए सबको। बंदी जन सबको प्रणाम करते हुए उठ खड़े हुए और बोलने लगे। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। महाराज विदेह की रात प्रतिज्ञा को हम लोग दोनों भुजाओं को उठा करके कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए। क्या आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव का यह पिनाक राहु है। कितना गरु अर्थात भारी कितना है, कठोर है, यह जगत जानता है। रावण और बाणासुर जैसे महाबली वीर भी बिना स्पर्श किए धनुष को प्रणाम करके चुपचाप चले गए। गवही सिधारे, गवही माने होता है किसी को पता तक नहीं चला, अभी तो यहीं बैठे थे लेकिन न जाने कब चले ही गए। रावण बाण महावट भारे देख सरासन गवही सिधारे, रावण बाण महाभट भारे देख सरासन गवही सिधारे। चुपचाप किसी ने देखा ही नहीं, यही तो थे, चले गए। कब? गवही माने चुपचाप चले गए। आते समय आप आ रहे हैं किसी के स्थान में, आते समय आप भले ही मत बताइए कि हम भी आए हैं लेकिन जाते समय बताना चाहिए कि हम जा रहे हैं। लेकिन सीता के स्वयंवर में रावण और बाणासुर जैसे महाबली आए थे, देखा यह धनुष हमारे बस का नहीं, हमसे उठने वाला नहीं, बिना बताए ही चले गए। वही भगवान शिव का कोदंड कैसा कठोर कोदंड। आज जो राज समाज में तोड़ेगा उनकी तीनों लोक में जय जयकार होगी, त्रिभुवन जय होगी उनकी तीनों लोक में जय जयकार के साथ। महाराज विदेहराज की लाडली मिथिला का सौभाग्य विदेहराज कुमारी हमारी सियाजू उनका वर्ण करेंगी जिसका कोई विचार नहीं किया जाएगा। राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार किए त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। वो कुछ विचार नहीं करेंगी, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, बस जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। देखिए शर्त कितनी बड़ी है, जो धनुष तोड़ेगा उसका विदेहराज कन्या वरण करेंगी। इतना सुनते ही सारे राजा एकदम बेचैन हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। एक ही साथ उठ के लपक पड़े। शतानंद जी वहां के कुल गुरु हैं जनक जी के, जैसे राजा दशरथ के और राम जी के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उसी प्रकार जनक के राज्य के कुल पुरोहित गुरु शतानंद जी हैं। शतानंद जी ने कहा राजाओं को शांत शांत,
एक एक करके आओ, पता तो चले किसने तोड़ा है। तो क्या हुआ, किसी से धनुष टूटा नहीं, तोड़ना तो दूर की बात, हिला तक नहीं सका कोई। सब जाते हैं और स्पर्श करते ही गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि धनुष को धरती माता ने पकड़ रखा था। क्यों? सीता मैया किसकी बेटी है? धरती मैया की पुत्री हैं सीता मैया, भूमि जा, इसलिए धरती ने धनुष को पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रही है। कब छोड़ेंगी? दर्शन करिए। राजाओं ने सलाह करी, मंत्रणा करी कि चलो एक साथ मिलके उठाते हैं सब। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु धन, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सा। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अपनी कीर्ति वीरता विजय सब धनुष के हाथ गमा करके राजा लोग सिर झुकाकर बैठ गए। श्री हत भय हर ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। श्री हत भय हारे हिया राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। राजाओं की एकमति गति विवेक शक्ति का क्षरण देखकर विदेह राजा व्याकुल हो गए। सावधान, दर्शन करिए। इस यज्ञ में राम लक्ष्मण प्रभु गुरु जी के सानिध्य में केवल दर्शन करने आए थे, धनुष तोड़ने नहीं आए थे। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने भी नहीं आए थे। तो फिर राम जी ने धनुष को क्यों तोड़ा? अब प्रसंग का दर्शन करिए। जनक महाराज अपने स्थान पर खड़े हो गए, व्याकुल हो गए। इनको बोलना नहीं भाई, कहते चाह पानी पीना, चाह लड्डू ले लो बार पर, फिर बोलो नहीं। रोष में भरकर वचन बोलने लगे। कौन? जनक महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो पुत्री के विवाह हेतु प्रण ठाना, आप सब लोग सुनकर, मनुष्य तो क्या, देवता दैत्य भी सुंदर सुंदर रूप बनाकर यहां पधारे। कन्या मन को हरने वाली है, विजय कीर्ति को वर्धन करने वाली दिखाई पड़ती है। भगवान ब्रह्मा ने इसके वर्ण करने हेतु धरती पे किसी को जन्म ही नहीं दिया। आप ही कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? उठाना तो दूर, उसको तोड़ना दूर, कोई शिव जी के इस दिव्य पिनाक पर अपनी प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सका। आज मैं जनक कहता हूं, कोई भी अहंकार नहीं करेगा, मैंने मान लिया कि धरती पर कोई वीर ही नहीं है। और अब बैठे क्यों हैं? तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तजो आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का विवाह ही नहीं लिखा। यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होंगे, कन्या कुमारी रहेगी, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं जनक यदि जानता कि धरती वीरों से रहित है, रिक्त है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी कीर्ति कदापि कलंकित नहीं करता। जनक जी की बात सुनकर सारी प्रजा जो विराजमान थी स्वयंवर में, वो सब लोग दुखी हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी की भौहें तन गई, भृकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नासिका गर्म सांस छोड़ने लगी। इतने आवेश में लक्ष्मण जी आ गए, गुरुदेव बैठे हैं उनके सामने, कुछ बोल नहीं सकते। रघुवीर के रहते और कोई कहे कि धरती पर वीर नहीं, ये शब्दावली लक्ष्मण जी को चुभ गई। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में प्रणाम करके गुरुदेव और प्रभु के बीच में ही जनक की बात को काट करके बोलने लगे, प्रभु रघुवंश का एक भी जीव किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में कोई इस प्रकार की शब्दावली कह सकता नहीं, और आज आपके रहते, इसके बच्चे के भी उतरवा दो वो सैंडल से, अंदर है मंदिर में, उसके साथ होगा कोई, उसको बोल देना ये बंद है ना। अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने कहा, जहां मेरे राघव विराजमान है, रघुवीर विराजमान है, और वहां कोई कहे उस सभा में कि पृथ्वी वीरों से खाली है, वीरों से रिक्त है, कहे जनक जसि अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी, कहे जनक जसि अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु कहउ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमित दारों फोरी सकाउ मेरु मूलक जिमितोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी अस आयस हो कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं जो जन सत प्रमाण ले धावूं, तोरों छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद सपथ कर्ण धरूं धनु भाथ। प्रभु जनक जी ने जो शब्दावली कही, मेरे राम के रहते ये सर्वदा अनुचित है। कही जनक जसी अनुचित बानी, आपके रहते ये धनुष क्या, इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति, मेरु पर्वत को मूली की भांति, अरे मैं कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूर्ण बना देते हैं, मैं इसका चूर्ण बना दूंगा, जैसे बरसात में उगे छत्रपों को सब्जी का क्या नाम होता है, हाँ बच्चे उसको रौंद देते हैं पांव से, कमल की नाल को जैसे बच्चे खंड खंड कर देते हैं, इस धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा, आपकी आज्ञा हो, आपके चरणों के प्रताप से ये सब मैं करूंगा, नहीं करूं तो आज से धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में, और जरा धरती की गति का दर्शन करिए, धरती माता ऐसे कांपने लगी।
लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन ते बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। दिग्गज अपने धोरी पर कलमला उठे, धरती डगमगा गई, क्या होने वाला है न जाने। भगवान ने लाड से लक्ष्मण को इशारा किया, अभी बैठ जाइए। शयन से शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठाओ राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक। भगवान की आज्ञा हो गई, मेरे राम जी सहज ही उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष की ओर चल पड़े। माँ के भाव की प्रसन्नता, गुरुदेव का आनंद, परमात्मा बढ़ रहे हैं। जैसे कोई दिव्य सिंह आनंद में चला जा रहा है लक्ष्य भेदन करने के लिए। सुनैना मैया ने अपना संशय कहा, सखी ने समाधान किया और सीता मैया गणपति भगवान से स्तुति करती है। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीने तुव सेवा। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीने तुव सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणेश भगवान, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। देखिए, किसी भी उत्सव में परमार्थ का उत्सव हो या स्वार्थ का उत्सव हो, गणपति और गौरी मैया का पूजन अवश्य करना चाहिए। सब कुछ करते जाओ, पर ये ना भूलें। क्यों? विघ्न विनाशक देव हैं गणपति भगवान, और माँ की कृपा के बिन न सत्कर्म होगा, न स्वार्थ होगा, न परमार्थ होगा, ये आवश्यक है। इसलिए गौरी गणेश का पूजन हो, माँ भवानी माँ गौरी सबका आनंद कराती हैं। और मन ही मन मेरी माँ धनुष देव की शरण में गई, हे धनुष देव, आप में जो गरुता है ना, जितने लोग हैं इस सभा में बैठे हुए, आपका ये भारीपन उन लोगों पे गिर जाए। मुझे तो आपका ही आश्रय है, आपको प्रभु स्पर्श करें और छूते ही टूट जाना। परमात्मा धनुष के पास पहुंचे, शिव का पिनाक है, शिव जी ने इष्ट देव श्री राम को प्रणाम किया। मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने इष्ट देव शिव को प्रणाम किया, माता पिता सदगुरु को प्रणाम किया, और लक्ष्मण जी समझ गए कि परमात्मा धनुष तोड़ना चाहते हैं, और मेरी माँ प्रेम मंत्र का जाप कर रही हैं, यही चाहिए बस भगवान ही। यदि मनसा वाचा कर्मणा मुझे परमात्मा के श्री चरणों में प्रीति हो, तो भगवान जगदीश्वर माँ भगवती भोलेनाथ इन राम जी के चरणों में मुझे अवश्य पहुंचाएंगे। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर जब भगवान को देखे, जब धनुष के निकट पहुंचे,
तो खड़े हो गए लक्ष्मण जी, मंच से ही धरती को दबाया लक्ष्मण जी ने। जैसे ही धरा को दबाया, दिक्पालों को सावधान कर दिया, शेष को संभाला और धरती ने धनुष को छोड़ दिया। परमात्मा ने धनुष के केंद्र में हाथ रखा और हाथ रखते ही धनुष को भगवान ने इतनी शीघ्रता से उठाया, किसी ने देखा ही नहीं। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, उन नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जी मार गुचले, चिक्कर ही दिग्गज डोल महि अहि कोल, कूर्म कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल बिचा रही को दंड खंडेउ, राम तुलसी जयति बचन उच्चारही। को दंड खंडेउ, राम तुलसी जयति वचन उच्चारही। भरे भुवन घोर कठोर, राव रवि बाज तजी मार्ग चले, सूर्य के घोड़े। भगवान ने धनुष को जैसे तोड़ा, सूर्य के घोड़े दिशा भूल गए, दिग्गज अपने धुरी पर कसमसा गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कोदंड खंडे राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सब तरफ हलचल है, लेकिन भगवान में कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं तह तह नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। बंदी मागद सूत गन बिरुद पदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब हय गय धन मन चीर। उत्सव हो गया, धनुष टूटा तो बिटिया के ऊपर और राम जी के ऊपर लोग न्योछावरी करने लगे, आनंद वर्धन हो गया। अब तो उत्सव का अवसर आ गया। गुरु आज्ञा से सखियां लेकर पहुंची माँ को और पहुंची प्रभु के सम्मुख, और सखियां निवेदन करने लगी राम जी से, झुक जइयो लला जी एक बार, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो लला जी एक बार, लली मारी छोटी सी। सुनियो बिनय दशरथ के लाला, सुनियो बिनय दशरथ के पहरो आज विजय जय माला, पहरो आज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार, लली मारी छोटी सी, झुक जइयो लला जी एक बार, लली मारी छोटी सी, झुक उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तव युगल चरण बलिहार, लली मारी छोटी सी।
भव युगल चरण बलिहार। लली भारी छोटी सी झुक जइयो लला जी एक बार। लली भारी छोटी गिरधर प्रभु जी की माला लीजे। गिरधर प्रभु जी की माला लीजे। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। हम गावे सुमंगलाचार। लली भारी छोटी सी हम गावे आचार। किशोरी भारी छोटी सी झुक जइयो लला जी एक बार। लली भारी छोटी सी झुक जइयो लला जी एक बार। लली भारी छोटी सी। चतुर सखी सिया के साथ में जो जिसने अशोक जिसने पुष्प वाटिका में योग वाटिका में मिथिला नगरी में राम सिया को मिलाया था पहली बार, वो चतुर सखी। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जय माल सुहाई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सुनतन जुगल कर माल उठाई, प्रेम बेवस पहराई न जाई। सोचिए, चतुर सखी ने कहा माला पहनाओ, लेकिन इतनी प्रेम की विह्वलता, उत्साह इतना बढ़ा हुआ है, अत्यधिक प्रेम की जो गति होती है ना, बाधित हो जाता है, रुक जाता है शरीर, मूर्ति बन गई राम जी को देखते ही। सीता जी कुछ करना, सब कुछ करना भूल गई, बस देखने में ही रह गई। प्रेम चलने नहीं देता, रुक जाते हैं व्यक्ति के पांव, बढ़ते नहीं आगे। और माँ का ऐसा स्नेह है, ऐसी श्रद्धा, हाथ उठ नहीं रहे हैं। सोहत जन जुग जल जसनाला, ससे सभेत देत जय माला। भगवान का स्त्री मुख कैसा है मेरे राम जी का, मानो कमल दंड सहित चंद्रमा को माला बनाकर पहना रहा है। कौशल चंद्र दशरथ नंद, कौशल चंद्र माँ बिहवल है। सखियां इसी के बीच में मंगल गान गा रही हैं। भगवान को संकोच हुआ कि सिया जी इतनी देर से खड़ी हैं, और तब मेरी मैया गावे छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। गावे छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। नाचे गावे विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। नाचे गावे विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जयतह बेप्रभेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। अब करही आरती पुर नर नारी, देहन छावर बित बिसारी। सब नगरी के नर नारी इतना न्योछावर कर रहे हैं, भूल गए कितना है कितना लुटाना है। इतना आनंद हुआ, आनंद का जब प्रवाह चलता है तो हमारी क्रिया क्या हो रही है इसका हमको पता नहीं चलता। स्थिति परिस्थिति का लोप हो जाता है, मन स्थिति आनंद में डूबने उतरने लगती है। यहाँ सखियां माँ को लेकर
जयमाल राम जी के गले में डाल दी और राम जी ने सिया जी के गले में डाल दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और सीता को धीरे धीरे वापस सुनैना माँ के पास लेकर के पधारी। प्राण प्रणाम प्रांत और मैया ने देखा धनुष टूट चुका है, मेरी बेटी ने जयमाला डाल दी। और अब प्रसंग में थोड़ा मोड़ आता है। बड़ा खुशी का आनंद का समा बंधा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश हो गया। भगवान विष्णु का अजगव देकर प्रभु को और परशुराम जी चले गए। बोलिए परशुराम भगवान की। यह लीला महोत्सव है यहाँ तक। अब विश्वामित्र जी से मिथिलापति ने प्रश्न किया, प्रभु गुरुदेव क्या आज्ञा है, अब उत्सव किस प्रकार संपन्न करें? ये रीति थी ये तो पूरी हो गई, अब पता चल गया कि राम दुल्हा है और सिया जी दुल्हिन है। बाकी सब लोग राजा लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन अब विधि विधान से वेद विदित मर्यादा से पूरा कार्य संपन्न जैसे आप आज्ञा करोगे वैसे किया जाए। गुरुदेव ने कहा, राजन धनुष टूटते ही विवाह का कार्यक्रम तो हो गया। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सबको ज्ञात है, पर आपका जो वंश व्यवहार है, जो आपके कुल की रीति है, रिवाज है, मान है, मर्यादा है, उनको पूरा विधि विधान से करना चाहिए। दूत के द्वारा पत्रिका लिखवाकर अयोध्या पति चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास पहुंचवाइए और महाराज बारात लेकर अपने गुरु जी के सानिध्य में यहां पधारें और फिर धूमधाम से विवाह संपन्न हो। देखिए उत्सवों को बड़े धूमधाम से संपन्न करना चाहिए। दूत पत्रिका लेकर मिथिला से अयोध्या गए, महाराज को खबर मिली, गुरुदेव को प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, माताओं को खबर जनाई, प्रजा में समाचार फैल गया कि राम जी का विवाह होने वाला है, अयोध्या से बारात कल सुबह प्रस्थान करेगी, मिथिला में विवाह संपन्न होगा, अयोध्या की प्रजा आनंद उत्सव मनाने लगी। तोरण द्वार सजाए गए, अयोध्या का अद्भुत श्रृंगार हुआ। अयोध्या तो सजी ही रहती है, भक्तों की नजर से देखा जाए तो श्रीधाम सबसे पहली पूरी अयोध्या है विश्व में, राम जी की पावन पुरी है, सर्वकाल सजी ही रहती है, भागवत नगरी है। मेरे राम अपने मुख से कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना
यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जानत को को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जानत को को। अयोध्या भगवान की पुरी है, अपनी सहज अवस्था को स्वीकार करती है। अयोध्यापुरी आडंबर स्वीकार नहीं करती, भजन स्वीकार करती है, भक्ति स्वीकार करती है। ऐसी पावन पुरी से बारात चलकर मिथिला की ओर गति करेगी। गुरु जी का आशीर्वाद हुआ और माताएं नेक व्यवहार पितृ देवताओं का पूजन करती हैं, गणपति गौरी जी का स्मरण करती हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियों का पूजन करती हैं, उनको दान दक्षिणा देती हैं कि बच्चों को आशीर्वाद दो, मंगल हो। दूतों को विदा किया चक्रवर्ती महाराज ने। दूत लोग पहुंचे, जाकर मिथिलेश से कहे कि बारात कल चलेगी। और जैसे ही खबर मिली, अरे आवत जाने भानु कुल के तू, आवत जाने भानु कुल के तू, सरितन जनक बंधाए से तू, सरितन जनक बंधाए से तू। मिथिलापति ने नहरों के ऊपर, जो रास्ते में नदियां पड़ती हैं, नहरें पड़ती हैं, उनके ऊपर रात रात में ही पुल बंधवा दिए बारात के आने के लिए। सरितन जनक बंधाए सेतु, बारात सजी। सारे सगुन ब्रह्मा जी ने एक साथ पैदा कर दिए, बना दिए। भगवान का प्रिय श्याम करण अश्व सज गया। भरत शत्रुघ्न ने साज समाज का चिंतन किया तो क्या बारात सजी भैया। अयोध्या जी से गुरु जी का रथ दिव्यता पूर्वक अग्निहोत्र सामग्री के साथ और चक्रवर्ती महाराज जी का रतन जड़ित स्वर्ण रथ और फिर सकल समाज ब्राह्मण देवता साधु संत, वहां शराब भी नहीं थे उसमें, बस बाकी सब थे, सब को लेकर साधु संतों को महाराज चले। और सबसे अच्छा काम क्या है, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़ो दिवस निसि विधि सन कहही। जो टाइम दिया था चिट्ठी में, तो आज भी लिखते हैं कि 8 बजे आना जी, ब्याह की चिट्ठी में लिख के भेजते हैं, बोले बारात सवेरे स्वागत 8 बजे आना। दो बजे से पहले तो आते ही नहीं, लेकिन उनका क्या नियम था, जिनको ज्ञान होता है ना, उनको सब जानकारी रहती है कि कन्या वालों को परेशान नहीं करना, समय से जाएंगे और समय से सब काम विधि पूर्वक बन जाएंगे। जब बारात 4 बजे जाएगी, आराम से फेरे कैसे करेंगे, फिर तो सबको ये रहती है रात होने से पहले पहले इनको वापस दफा करो, आए इतने देर से। राम जी की बारात, प्रथम बारात लगन ते आई, लगन से जो टाइम दिया था उससे पहले पहुंच गए। और आजकल का समय नहीं था, त्रेता युग का समय था। लगन तो है 15 दिन बाद और बारात 15 दिन पहले पहुंच गई।
विश्वामित्र बाबा राम लखन को लेकर के आए, मिलाए, सबसे आशीर्वाद दिए। ऐसे मिले राजा दशरथ राम लखन से जैसे प्यासा कुएं से मिलता है। नगर के नर नारी सुंदर सम्मान चक्रवर्ती जी महाराज का हुआ। मिथिलापति ने दिव्य सम्मान किया, गुरुदेव भगवान का पूजन हुआ, ऋषि मंडली का सबका सुंदर स्वागत भया। आगते स्वागतम सारम, कोई आए तो उसका स्वागत बड़ी दिव्यता से थाल सजाकर माला फूल वंदन चंदन लगाकर करना चाहिए। स्वागत मूल है। अच्छा स्वागत हो जाए, अतिथि मेहमान की सारी थकावट दूर हो जाती है। किसी को भी आप लेने जा रहे हो, कोई आया है मेहमान और आप उसको एयरपोर्ट वगैरह से स्टेशन से अपनी गाड़ी में आपके घर तक लेने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनको आप लेने जा रहे हो उनके पीने के लिए जल वगैरह पहले से गाड़ी में रख लेना चाहिए। तो बाहर से आ रहे हैं, अतिथि हैं, मेहमान हैं, और कुछ लोग इतने उल्टे होते हैं कि घर में आने के बाद भी ये सोचते हैं कि इनकी गाड़ी में होगा ही जल, तो पी के ही आए होंगे। घर में आने के बाद भी जल का क्या पिलाना, जल तो इनकी बोतल होंगी गाड़ी में, पी लिया होगा। ऐसा नहीं, स्वागत करने वाले आप हैं, वो आपका काम है। कुछ लोग तो उनके उनको गाड़ी में बिठा लेंगे, बोले चलो जी, और रास्ते में गाड़ी रोक लेंगे, बोले कुछ ले लें आपके लिए, आप हमारे घर जाओगे ना अभी अभी, आपके लिए बूरा ले लें, नमकीन भी ले लें, जल भी ले लें। ये मेरे को ये दिखाना जरूरी था? स्वागत करना था तो आप पहले लेके रखते। वो सामने अगला ही कह देता है, भाई रहने दो, मैं तो कुछ नमकीन भी नहीं खाता, बूरा भी नहीं खाता, कुछ खाना ही नहीं है, मेरे को दिखाने के लिए मेरे ही सामने खरीद रहे हो। ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता है जब हमें पहले से पता है कोई आने वाला है, उसके सामने कुछ खरीदने नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। पहले से मंगवा करके तैयार रखना चाहिए, और आते ही उनको जलपान मिलते ही पहले उनको कराना चाहिए। नगर के नर नारी अपनी बेटियों के जैसे सीता को मानते हैं। महाराज की तीनों पुत्रियों, तीन बेटियां, कौन से जनक के भाई हैं, उनकी तीन बेटियां हैं, और जनक महाराज की एक पुत्री है, और महाराज दशरथ के भी राम जी से अलग तीन पुत्र हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सिया जी के लिए तो राम जी मिल गए, और मन मन में सब सोच रहे हैं जनक जी के परिवार के लोग, मिथिला नगर निवासी, कि भगवान ब्रह्मा ऐसी कुछ सुंदर सी व्यवस्था बना दें कि चारों लालाओं का विवाह चारों ललियों के साथ यहीं पे हो जाए, तो हम लोग देखकर ही धन्य धन्य हो जाएंगे। उत्सव का दर्शन करिए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारु, लगन सोधि विधि कीन बिचारु। नारद जी के हाथ से वो चिट्ठी थी जो लगन पत्रिका लिखवा करके, और जहां राम जी ठहरे हुए थे जनवास की ओर बारात रुकी थी, जहां पर
वहां प्रस्थान कराया गया। नारद जी महाराज लेकर के पहुंचे हैं और भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं नारद जी। क्यों नारद जी हंसने लगे? राम को देखते हुए पहले ही राम समझ गए, मेरे नारद क्यों हंस रहा है। नारद के मन में ये बात थी, कह लो राम जी आपने तो मेरा विवाह होने नहीं दिया था और मैं आपके विवाह की चिट्ठी लेके आया हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। ये बात कोई और नहीं जान सका, या तो राम जी जानते थे या नारद जी जानते हैं। आपका विवाह कराने के लिए नारद जी ने ऐसा मजाक किया आंखों आंखों से, और उत्सव का विनोद होने से जब ऐसा मजाक होता है, विनोद होता है, तो उत्सव का आनंद और बढ़ जाता है। बैठे दिन नारद सन सोई, कने जनक के गन कन जोई, सुने सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता, धेनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे उपदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। गौधुली की बेला में बारात सजी है, भगवान श्याम करण घोड़े पर सवार हुए और दिव्य स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मण देवता लोग मंत्रों के साथ बारात को लेकर चले, और मेरे सरकार मेरे प्रभु रघुवर राम जी मंडप में पधारे। द्वार पर पूजा हुई, पैसों के लिए लड़ाई नहीं हुई। क्या हुई? द्वार पे पूजा, पूजा हुई, सरकार मंडप में आसन दिया गया। सखियां माँ को लेकर आती हैं और सुनैना मैया और जनक जी पहले ही विराजमान हैं। मिथिलापति जनक राज ने कुशध्वज, जनक के भाई का नाम कुशध्वज के साथ अवधेश का पूजन किया। गुरुदेव भगवान ऋषि मंडली सबका दिव्य पूजन हुआ, सबको दिव्य सिंहासन प्रदान किया गया, और अब मधुपर्क आदि सब विधि संपन्न कराने के बाद मिथिलापति और सुनैना मैया ने राम प्रभु के पांव पखारे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेमतन पुलका वली नभनगर गाय सर सदैव बीरा जहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंद जिन क्यो शंभो सिर सुचिता अवधि सुर बर नई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दौ कुल गुरु करें भयो पानी ग्रहण बिलो के विधि सुर मनुज मनी आनंद भरें सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुल के तन फूल स्योहियो
करि लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम हि सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई क्यों कर विनय विदेह कियो विदेह मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। यज्ञ भगवान की आहुति डाली गई, विधिवत गांठ जोड़कर और चतुष्पदी संपन्न हुई। कुंवर कुंवरी कल भावहि देहि नयन लाभ सब सादर लेहि जाइ नबरनि मनोहर जोरी जो उपमा कहु कहूँ सो थोरी प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीत नबेरी राम सीय सिर सिंदूर देहि शोभा कहिन जात ते केहि बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुलहिनी बैठे एक आसन। चतुष्पदी हुई, प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर जैसे अर्पण किया। राजा दशरथ देख रहे थे और बेटे के विवाह में बेटे के पिता को बड़ी खुशी होती है। एक उसमें भजन में आता है हरियाणवी में बोले भरा खुशी में बॉस जनो बनड़े का बापू ब्याह में। बॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ना, बोले इतने खुश हुए आजादी के काम करते हुए जैसे बनड़े का बाप ब्याह में खुश होता है। कोई पूछे भी नहीं, मिल मिल के सबको बताते हैं मेरे बेटे का विवाह हो गया बड़ी अच्छे खानदान में। बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है मन में। ऐसे ही राजा दशरथ ने जब देखा भगवान थे वो, और दशरथ महाराज सब जानते थे रामचरितमानस के रामायण के जितने भी पात्र हैं सब के सब ऊपर से एक ही सलाह से आए थे। उनमें कोई साधारण व्यक्ति कोई नहीं था, किसी का भी आप नाम ले लो कोई साधारण नहीं था, सबके सब देवी देवता थे वो। वो तो यहाँ आके मनुष्य तन धारण करके दुनिया के लोगों को शिक्षा देने के लिए मनुष्य बने थे बस। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ है। राजा दशरथ ने देखा मेरे राम ने मेरी पुत्र वधु सिया जी के मांग में सिंदूर भर दिया और दशरथ महाराज की तो समाधि लग गई। चक्रवर्ती महाराज को गुरुदेव ने जनक जी को बुलाया, बोले राजन आपकी और पुत्रियां भी है ना, तीन। बोले हाँ जी हैं, छोटे भाई की। बोले उनको भी ले आओ, आज ही उनका भी उत्सव संपन्न कर देंगे। तीनों बेटियां माँ जानकी की लघु भगनी उर्मिला जी और कुशध्वज महाराज की दो पुत्रियां मांडवी श्रुत कीर्ति जो तीनों लोक सुसज्जित ही थी लाई गई। भरत जी का विवाह मांडवी मैया के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के संग में और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति जी के संग संपन्न हुआ। बोलिए चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय जयकार हुई।
सब बरातियों घरातियों की भी जय जय हुई वहाँ पे। और कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री जनक जी ने दहेज में अर्पित कर दी। जो दहेज भेंट किए मिथिलापति ने, अवधपति ने, वो सब वहीं पे बांट दिए। लालच लोभ नहीं था, नहीं तो कई जगह क्या होता है उल्टा सा माहौल हो जाता है विदाई के समय पे। जिनकी बेटी होती है उन सब का मन भर आता है, बड़े बड़े धैर्य वाले लोग भी वहां अपने धीरज को नहीं संभाल पाते। जिस बालक को जन्म दिया, अपने गोद में पाला, पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इतनी हर क्षण जिसके साथ साथ हम रहे, बेटी के साथ साथ रहते हैं 20 साल तक, 22 साल तक, जब तक विवाह नहीं होता। माई कथा सुनने क्यों नहीं आई? गुरुजी बेटी अकेली थी इसलिए नहीं आई। माई कहाँ से आई हो? बेटी को ट्यूशन पे छोड़ के आई हूँ और 2 घंटे बाद लेने जाऊंगी। हर पल उसके साथ साथ में हम रहते हैं, इतनी संभाल रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से हम, और वो बच्चा जिंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से चला जाए। बड़े बड़े धैर्य वाले भी अपना धीरज खो देते हैं। कणव जैसे ऋषि जब शकुंतला को विदा करते हैं तो कह देते हैं बोल के कि मैं एक संत होते हुए, मैंने तो जन्म भी नहीं दिया था उस बेटी को, सिर्फ पाला था, और पालन करने के बाद ही आज जब मैं उसका कन्यादान कर रहा हूं राजा दुष्यंत के साथ, मैं सोचता हूं कि मेरा हृदय भर के आ रहा है, और जो गृहस्थी लोग जन्म देते हैं अपनी बेटी को वो कैसे छोड़ देते हैं, कैसे दान कर देते हैं। सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं बेटी वालों के। और वहीं पर उसी समय पर कई बार लड़के वाले क्या करते हैं, लाओ लाओ फटाफट लाओ, गाड़ी में ला दो और ले आओ, देखना कुछ बचा तो नहीं, रह तो नहीं गया कुछ, ऐसे करते हैं जैसे लूट मची है। उनको कोई पता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बेटी का वो बात नहीं है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसे है? देख लेना कुछ रहा तो नहीं गया, जल्दी से लाद दो, फटाफट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक परिवार हो गया तो वहां पर भावनाओं और विचारों का सम्मान होना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए। महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। जो दहेज राजा जनक ने दिया वहीं पर बांट दिया। जाचक सकल अजाचक के ने, ब्राह्मणों को दे दिया, संतों को दे दिया, सेवकों को दे दिया, बड़ा मधुर सिद्धांत। जनक राजा तो कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए दिया है मैंने, तो आपको नहीं दे रहा। महाराज दशरथ कहते हैं आपका ही तो है, वहां क्या कमी है, राज दरबार है, राजपाट है, सब आपका ही है वहां भी, अब क्या अंतर रह गया, जो आपके घर पे वो मेरा और जो मेरे घर पे वो सब आपका। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धन दल जाई। तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ के घर में इतना धन है, देवताओं के कोष अध्यक्ष महाराज कुबेर भी शर्मा जाते हैं दशरथ के धन दौलत को देख करके। इसलिए मिथिलापति देना चाहते हैं बेटियों के संग में, लेकिन अयोध्या नाथ अपने पास से और भी उसमें मिला के गरीबों को लुटा देते हैं, ले जाना नहीं चाहते।
पहली बार उत्सव में ऐसा ऐसा हुआ कि जब विदा का समय हुआ, मिथिलापति महाराज को दिखाया नहीं, बिना बताए सब अयोध्या जी की ओर प्रस्थान करा दिए। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। सामध देख, दोनों समधियों को देखा, देवताओं ने मिलनी हो रही थी। थापा लगा रहा है क्या कोई? ये वही समय होता है ना जब मेहंदी में ऐसे हाथ लगा के, मैंने सोचा वो आवाज से आएगी, थापा लग गया, आवाज से आएगी। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। जग बिरंचे उप जावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांते सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। सम समधि देखे हम आजो। समधि का मतलब क्या होता है? सम मैंने समान और धि मैंने बुद्धि। दोनों के विचार एक जैसे हों, दोनों का व्यवहार एक जैसा हो, दोनों बराबर हो, दोनों का प्रेम बराबर हो, उसको कहते हैं समधि। समान विचारों वाले, समान व्यवहार वाले, समान बुद्धि वाले। सामद देख देव अनुरागे, बुद्धि का स्तर जब तक एक होता है, जब विवेक का स्तर जब एक होता है, तो संबंध निर्वाह में आनंद आता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की।